हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया कि उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर बैक्टीरिया में फ्लैजेला किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो दो तरीके हैं क्लासिफाई करने के। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है। उसमें पहला आपका आता है रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक है, अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको बोलेंगे बैसिलस, और अगर दो हैं ग्रुप में दो हैं तो क्या बोलेंगे उसको? डिप्लो बैसिलस। ठीक है, अगर पूरी चेन है, एक दो तीन चार इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेप्टो बैसिलस। क्लियर है? तो रॉड से बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस, सिंगल है तो बैसिलस, डबल है तो डिप्लो बैसिलस, चेन में है तो स्ट्रेप्टो बैसिलस। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, गोल होते हैं ये। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकस। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कोकस। क्लियर, अगर सिंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोकोकस। क्लियर, अगर दो हैं ग्रुप में है तो बोलेंगे उसको डिप्लो। डिप्लो मतलब डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स दो, डिप्लोकोकस। अगर चेन में है तो क्या बोलेंगे उसको हम? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये बंच में है, जैसे अंगूर होते हैं अंगूर की तरह, अगर ये बंच में है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। और अगर ये क्यूब के फॉर्म में है, जो बैक्टीरिया क्यूब के फॉर्म में अगर अरेंज है तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्सिना। क्लियर है? तो पहला आपका हो गया रॉड शेप, और दूसरा आपका हो गया स्फेरिकल या राउंड शेप। तीसरा आपका आता है स्पाइरल या रिबन शेप, जो एक रिबन नहीं होती बालों में लगाने वाली। ठीक है, तो स्पाइरल या रिबन शेप, या कह सकते हो जो स्प्रिंग की तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम। ये आपका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। फिर आपका आता है कॉमा शेप, ये कॉमा के आकार के होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जितने भी रॉड से बैक्टीरिया हैं यहाँ पे फ्लैजेला हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और जितने स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे कभी भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? स्पाइरल से बैक्टीरिया में फ्लैजेला हमेशा प्रेजेंट होगा, और कॉमा से बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके सामने कुछ इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया एग्जाम्पल आपका है बैसिलस सबटिलिस, डिप्लो बैसिलस का एग्जाम्पल है कॉक्सिला बाइनेटाई, स्ट्रेप्टो बैसिलस का एग्जाम्पल आपका बैसिलस एंथ्रासिस, जिससे एंथ्राक्स डिजीज होती है। ठीक है, कोकाई में आपका माइक्रोकोकस, सिंगल है तो माइक्रोकोकस का एग्जाम्पल आपका है, डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल आपका है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, या आपका दूध से दही बनाने के काम में आता है। ठीक है, जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेफाइलोकोकस का एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सार्सिना को तो सार्सिना ही है। स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपका है स्पाइरुलम वॉलिटेंस। कॉमा सेट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपका है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया है ये एक कॉलरा डिसीज, सुना होगा कॉलरा डिसीज कॉज करता है विब्रियो कॉलरी। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्लियर है ना? बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, कोकाई, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सार्सिना, स्पाइरोलम, विब्रियो। क्लियर, फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के अकॉर्डिंग से। तो फ्लैजेला जो होता है वो क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होता है। फ्लैजेला बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस, अगर अब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए ट्राइकस। ए लग गया, ए का मतलब क्या है? अब्सेंट। अगर ए लग गया तो अब्सेंट, ए ट्राइकस।
इसका एग्जाम्पल आपका है पास्चुरेला, ठीक है। अगर सिंगल फ्लेजेला है, सिंगल फ्लेजेला अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, मोनोट्राइकस। इसका आपका एग्जाम्पल है जैंथोमोनास सिट्राई, एक डिजीज कॉज करता है सिट्रस कैंकर डिसीज, जो आपका नींबू में होती है, नींबू संतरा मौसमी में होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिट्रस डिसीज। कौन कॉज करता है? जैंथोमोनास सिट्राई। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या है? दोनों तरफ। तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, क्लियर है, एम्फीट्राइकस। इसका आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि मल्टीपल फ्लैजेला या ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्लैजेला एक एंड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिफेलोट्राइकस। इसमें क्या होता है कि बंच ऑफ फ्लैजेला दो एंड पे, यानी कि एक इस तरफ भी बंच और एक इस तरफ भी बंच, दो तरफ से निकले होते हैं। फिर आपका आता है पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। तो पेरीट्राइकस में क्या होगा? आपका पूरे सरफेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। इसका आपका एग्जांपल है ईकोलाई। ईकोलाई जो होता है वो हम लोगों के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप, ठीक है, इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।